वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ जो कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर कांकेर जिले में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो मैं उसकी पूरी अपडेट दूंगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लास्ट डेट कब होने वाला, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं, पेमेंट कितना होगा और डिटेल। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि अब तक जितना भी यहाँ पे वीडियो मैं यहाँ पे डालूँ आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे CHO से रिलेटेड हो या फिर एम्स से रिलेटेड हो या फिर कोई अदर एम्स या फिर अदर नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी जो आती हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर, डायरेक्टली हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जो पोस्ट है वो जो निकाला गया है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं स्टाफ नर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है निकाली गई है NHM के तहत। टोटल जो पोस्ट है वो 8 है, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पे जो UR यहाँ पे ST के लिए एंड UR, ठीक है। और यहाँ पे ST एंड UR के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये ST के लिए 6 है, SC के लिए 1 है एंड यहाँ पे UR के लिए 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो BSc नर्सिंग एंड GNM विथ आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। और सैलरी जो है 16,500 आपको पर मंथ से दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या चांस है आपका 100 मार्क्स का टोटल रहेगा, जिसमें कि क्वालिफिकेशन हिसाब से 65 मार्क्स रहेगा एंड एक्सपीरियंस 10 एंड मार्क्स फॉर द NHM स्टाफ 15 मार्क्स टू एग्ज़ाम इसमें 20 देन 3 मितानी वर्क, ये सब उसके वर्क कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है, ठीक है। मतलब 100 आपका टोटल 100 में से आपको उसके अकॉर्डिंग फिर नंबर दिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है कि पदों के सम्मुख उल्लेखनीय तिथि अनुसार 11 फरवरी से लेकर आपका 17 फरवरी तक आपका पंजीयन प्रातः 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वॉक उपस्थित हों, वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हों, ठीक है। तो 11 से लेकर 17 फरवरी तक यहाँ पे चलेगा वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक यहाँ पे आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो इसका जो है वेबसाइट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं www.kancer.gov.in पे, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया गया है ये वॉक इन मतलब इंटरव्यू का टाइम डेट एंड टाइम है, देख सकते हैं दिनांक स्टाफ नर्स का 17 फरवरी को है और यहाँ 11 बजे से 12:30 बजे तक का समय है। और दावा आपत्ति करने का जो समय है वो है हमारा 2:30 से लेकर 3:30 तक। एंड परीक्षा दावा आपत्ति और मेरिट उपरांत उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का स्थान जो है वो NHM प्रशिक्षण केंद्र जिला चिकित्सालय कांकेर में ये आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिटेशन की, ठीक है। तो एज लिमिटेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 70 साल चिकित्सा के लिए 64 वर्ष प्रतिदिन यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए तो दिया नहीं गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबंद किया जाए तथा यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है, आवेदन, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पदम से संबंधित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एंड 10वीं का अंक सूची आपको यहाँ पर चाहिए, अन्य प्रमाण पत्र को ये भी लेके जाना है। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया में देख सकते हैं 65 आपका शैक्षणिक योग्यता मतलब BSc की है तो BSc से और GNM की है तो GNM से 65% लिया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो उसे 10 से 15% लिया जाएगा। और NHM कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष का 3 अंक यहाँ पे दिया जाएगा, अगर NHM के तहत अगर वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अन्य अभ्यर्थियों को यहाँ पे 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर है कि लिखित या फिर कौशल या यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा जिसमें 20 अंक रहेंगे आपके, ठीक है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे भी लिखा निर्धारित 20 अंक में से आवेदक को 30% अंक मतलब 6 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो 20 में से आप 6 अंक यहाँ पे लाना अनिवार्य है, अगर 6 से अगर 30% से कम लाते हैं तो यहाँ पे अपात्र वहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, ठीक है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको यहाँ पर फोटो वगैरह, अपना नाम पता सब पूरा डिटेल डालना है, अपना क्वालिफिकेशन, ठीक है, और लास्ट में घोषणा पत्र है। तो यहाँ पर मैंने पूरी अपडेट दी है, अच्छी वैकेंसी है स्पेशली जो छत्तीसगढ़ कांकेर जिले वाले के लिए, तो अभी भी टाइम है, आप यहाँ जाके इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।